हमें फीडबैक देंगे, हम उस फीडबैक पे देखेंगे, हम उस पे कार्य करेंगे, वर्क करेंगे हम उस पे। अगर पॉसिबल है तो हम उस चीज को करेंगे, अगर नहीं है तो हम जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे ना, तभी ट्रेनर को, जैसे आप लोगों ने आया, हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे कि सर इस वीडियो में ये चीज नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, करके दिखाओ ना। ठीक है, उसके अंदर तो डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा है, बड़ा बात कर रहा है, तो बच्चों को करके दिखा दो, क्योंकि कीबोर्ड माउस अलग हो गया, और कनेक्टर अलग हो गया, सब चीज अलग हो, डेफिनेशन भी बहुत बड़ा है। एक बार जो हां वो चीज सही है, एक बार बच्चों को देखिए, जब आप लैपटॉप तक खोलना सिखा रहे हैं, इतना सोफिस्टिकेटेड लैपटॉप है, आप वो खोलना सिखा रहे हैं, सर वायर भी तो आप कनेक्टेड बता दीजिए, हम कनेक्टेड एक प्रकार से आपने बता दिया, वो उससे करा थोड़ी रहे हैं आप, आपने उसको बता दिया, ये सही कह रहे हैं, बता दिया उसको, उसके दिमाग क्लियर हो जाएगा, ये आपस में जुड़ते हैं, अभी बिना जुड़े हुए अगर किसी उसके दिमाग में वो बच्चा बोल नहीं रहा, दिमाग में एक कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये जुड़े भी नहीं दिखाई दे रहे कहीं पे। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग करते हैं तो वो देखें और आप अपनी नोटबुक या लैपटॉप में इस सिल्वर कलर के बटन को ढूंढें। इस सिल्वर कलर के बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करें, उसके बाद आपका नोटबुक या लैपटॉप ऑन हो जाएगा। वन मोर पॉइंट है, अभी आपने सिल्वर कलर का बटन भूल दिया है, अब मान लिया कोई दूसरा कलर है किसी के, ब्लैक लैपटॉप में शायद सिल्वर ही कलर, नहीं मेरे पास लैपटॉप है उसमें उससे ब्लैक है, पावर बटन बोल दीजिए, सिंपल सेम होता है, कलर मत बोलिए, साइन सेम होगा, क्योंकि हर जगह मेरे यहाँ पे जो है वो कलर है, ये सिल्वर कलर है यहाँ तो, उतना एल्यूमिनियम होता है वो कलर का भी पड़ा, साइन 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 इंपॉर्टेंट, साइन इंपॉर्टेंट, साइन इंपॉर्टेंट, साइन का तो ठीक है, साइन से नहीं होता, ये कलर के नेम पर मेन मेन पॉइंट साइन का होता है, तो साइन होना चाहिए ना, हाँ साइन होना चाहिए ना वहाँ पे, कलर तो कोई सा भी हो सकता है, कोई कलर कोई कलर एक कर दे उसके ऊपर, ऐसा नहीं मिला था, मिल रहा है तो नोट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन है सब सही है, इस पे बात करनी पड़ेगी सर से, क्योंकि देखिए जो इनकी प्रॉब्लम ये देख रहे हैं, इनको दिख रहा है, अभी तक हमने जो भी ट्रेनिंग की, अगर हमें ट्रेनिंग सेशन में इस टाइप का कोई भी बैच आया होता, जैसे सर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं जहाँ पे जाना है इनको, अभी तक हमने गुड़गांव में ट्रेन किया है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, जो आएगा वो बताएगा तो हम उस चीज को देखेंगे, क्योंकि हमको करना है, हमें अगर नहीं करना होता ना तो हम इनकी फीडबैक को नहीं देखते, नहीं सुनते, हमें करना है इस चीज को, तो इनकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके लिए है। या लैपटॉप में इस सिल्वर कलर के बटन को ढूंढें। अब वो ढूंढ रहा है, बटन ढूंढ रहा है, उसे नहीं मिल, सिल्वर कलर नहीं मिल रहा, दूसरा कलर बटन है पर सिल्वर कलर नहीं मिल रहा उसको, फिर वो आपसे पूछेगा टाइम पीछे, सर कहाँ है सिल्वर कलर बटन, कहाँ है, जब वो दे ऊपर तो पावर बटन होता है, आप उनको बताएंगे ना पावर बटन, पावर बटन हम उन्हें तो बता के आपको भेज रहे हैं, हम भी तो बता के भेज रहे हैं सर, अगर आप सिर्फ क्लास में हो, बिना आपके क्लास तो चलेगा नहीं, अगर उनको नहीं मिल रहा तो सर आपसे कहेगा ना, आपकी वीडियो में कहेगा बटन सर पावर, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा सिल्वर कलर का बटन, आप बताओगे, रुको बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो ये यहाँ पर सिल्वर कलर नहीं है, ये ऐसा है, बट मोस्ट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि वो सिल्वर कलर का ही होता है, हाँ अलग अलग चेंज हो सकता है चीजों, वहाँ पे ये साइन दिखना चाहिए जो आपका पावर साइन है, साइन जो है वो चिन्ह जो है वो होना चाहिए, आगे सिल्वर कलर के बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करें, उसके बाद आपका नोटबुक या लैपटॉप ऑन हो जाएगा। अब आप सभी का कंप्यूटर ऑन हो गया, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक हो, दिए गए जब हम पावर बटन प्रेस कर देंगे तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर ऑन होगा, अगर पावर सप्लाई हो रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर, तो नोटबुक है पावर बटन प्रेस कर देंगे तो ऑन हो जाएगा, लैपटॉप है पावर बटन प्रेस करेंगे चार्ज है तो ऑन हो जाएगा, है ना,
तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया कि आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, जो ऑन होने के बाद जो सबसे सामने उनके स्क्रीन आता है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो स्क्रीन क्या होता है, क्या क्या चीज वहाँ पे होता है। प्ले करो। चित्र को देखें और बताएं इस स्क्रीन को क्या कहते हैं। आप सभी को पता है इस स्क्रीन क्या होता है? सभी को पता है, जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया ना सुबह, आपके सामने जो विंडो दिख रहा है मॉनिटर पे, क्या कहते हैं उसको? डेस्कटॉप कहते हैं। सबको पता है, कुछ को नहीं पता है। अभी डेस्कटॉप होता क्या है? डेस्कटॉप होता क्या है? जब आपको ये पता होगा तभी तो आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, बाकी इसमें तो है ही है, लेकिन आपको भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डेस्कटॉप एक हमारे कंप्यूटर का ऐसा विंडो है या पार्ट है जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स और फोल्डर अवेलेबल होती हैं। तब कहते हैं, अब आप सब सोच रहे होंगे कि यह डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर की विंडो होती है जो हमें उन एप्लीकेशन और फोल्डर फाइल्स के बारे में बताती है जो फाइल्स को हम अपने इच्छा से डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और उन्हें हम सीधे खोल सकते हैं। फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं यह आप आगे की कक्षाओं में सीखेंगे। आइए अब कंप्यूटर को चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आप कौन से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, मतलब कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं अथवा लैपटॉप या नोटबुक। अगर आप डेस्कटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो आप माउस का प्रयोग करेंगे। माउस के अंदर तीन बटन, लैपटॉप में माउस का भी उपयोग कर सकते हैं ना, पर हमने यहाँ पे क्या दिया है कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप माउस का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें हम टच पैड तो है नहीं, माउस ही चाहिए इसके लिए। लैपटॉप के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन कीबोर्ड इसके साथ भी है, कंफ्यूजिंग है। नहीं तो माउस के बारे में, कंप्यूटर माउस एंड कीबोर्ड दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सर कंप्यूटर किस चीज से ऑपरेट करेंगे? कीबोर्ड तो एडवांस में आ जाएगा। कीबोर्ड से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं, पर वो एडवांस हो जाएगा। बेसिकली जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वो लोग माउस के द्वारा ही करते हैं। माउस जो होता है हमारे अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, उसको हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें क्या करना है, यहाँ पे कौन से फाइल पे जाना है, कौन से एप्लीकेशन पे जाना है, ये सब कुछ माउस को ही, माउस से ही बताते हैं। जैसे हमारे पास हाथ और पैर होते हैं वैसे ही कंप्यूटर का ये हाथ और पैर का कार्य करता है। चित्र में दिखाया जा रहा है। लेफ्ट बटन का उपयोग आप सबसे ज़्यादा करते हैं, इससे आप फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट बटन से आप कंप्यूटर को रिफ्रेश, न्यू फोल्डर, रीनेम फाइल और डिलीट फाइल इत्यादि कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन से आप पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं तो आप सब टचपैड का उपयोग करेंगे। सामने दिए गए चित्र को देखें और फिर अपने नोटबुक में ऐसे दिए गए चित्र को देखें, इसे टचपैड कहते हैं। यह टचपैड नोटबुक या लैपटॉप के लिए हमारे दोनों हाथ की तरह काम करता है, जैसे कि हमारे पास दो हाथ होते हैं, बायां और दाहिना। वैसे ही टचपैड में भी दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन। आप सब अपने टचपैड के लेफ्ट बटन का सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे, चाहे आपको फाइल ओपन करनी हो या किसी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करना हो। में बताया गया डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ कि लेफ्ट बटन का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, वैसे ही लैपटॉप या नोटबुक में भी
लेफ्ट बटन का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। लेफ्ट बटन से आप किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, राइट बटन के साथ आप उस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। अब उनको समझ में नहीं आएगा कि रीनेम क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा उनको ये सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। अभी अगर हम इस चीज़ को जहाँ जो चीज़ आ रहा है, जैसे मान लीजिए हमने बोला एप्लीकेशन, तो अगर हम वहीं पे एप्लीकेशन के बारे में बताने लगेंगे तो हमारा जो बेसिक है पेंट का कोर्स है वो वहीं रुक जाएगा। हम उस चीज को इतना बता सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है जो इंस्टॉल करेंगे हम, बट हम उसी चीज को वहीं रोक देते हैं क्योंकि हमारा कोर्स रुक जाएगा। पेंट में हम इतना सिखा रहे हैं कि कैसे कंप्यूटर को आपको क्या करना है, चलाना है। पेंट हम इसलिए सिखाते हैं ताकि जो बच्चे कंप्यूटर से फ्रेंडली नहीं है, उनके माउस या टचपैड का उपयोग करने में हाथ कंप रहे हैं जो भी है, वो ताकि दूर हो सके, उसको अच्छे से ऑपरेट कर सके, तो इसलिए हम पेंट वन के बेसिक कोर्स को सिखा रहे हैं। तो आप लेफ्ट बटन का उपयोग करेंगे, राइट बटन का उपयोग कंप्यूटर को रिफ्रेश और फोल्डर बनाने के लिए करते हैं। अब आप सब सामने डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखें, आपको छोटा सा तीर दिख रहा होगा, इस तीर को कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। कहाँ पे दिख रहा तीर? एरो है ना, इसको हम कर्सर, अभी तो ये पॉइंटर है, जब कोई फाइल या फोल्डर हो जाएगा ना ओपन तो वहां पे वो कर्सर बन जाता है।